एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर में। तो अगर आप आईटीआई में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं और आप चाहते हैं कि मेरे आसपास जो आईटीआई हैं उनके अंदर कौन कौन सी ट्रेड्स हैं, कौन कौन से व्यवसाय हैं, कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, ये सब आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। इसमें मैं पूरा यही बताऊँगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपके शहर के अंदर जो भी आईटीआई हैं उनके अंदर कौन कौन सी ट्रेड्स हैं, कितनी उनके अंदर सीट्स हैं और ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें बताऊंगा। तो कैसे आप इनको चेक कर सकते हो, एक वेबसाइट है NCVT MIS पोर्टल, तो इसका URL है NCVT MIS.gov.in। अब ये जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप वहां से भी कॉपी करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हो या फिर आप पूरा ये जो URL है इसको डाल सकते हो। अब जो आपका NCVT MIS पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। इससे अभी आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको ITI, फिर आप ITI सर्च कर सकते हो। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्च करना है तो आप ITI सर्च पर क्लिक कीजिए और जैसे ये सर्च का यहाँ पे जो वेब पेज ओपन हो जाएगा, आपने क्या करना है, अपना जो स्टेट है उसको सिलेक्ट करना है। लेकिन स्टेट सिलेक्ट करने से पहले आपने एग्जाम सिस्टम सिलेक्ट करना है, ये कंपलसरी है। इसमें एनुअल या सेमेस्टर सिस्टम आएगा। तो अभी देखिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में एनुअल सिस्टम चलाया जा रहा है कि आपके साल, एक साल में ही आपके एग्जाम होते हैं। आपको एनुअल को सिलेक्ट करना है यहाँ पे और उसके बाद आपने अपना जो स्टेट है उसको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट मेरा है लखनऊ, लखनऊ को मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे। अब ITI का नाम यहाँ आप नहीं डालेंगे, ठीक है, और आपको अपनी ट्रेड्स देखनी है तो आप यहाँ ट्रेड भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपको कोई पार्टिकुलर ट्रेड की सीट देखनी कितनी है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि मान लो आपकी ट्रेड है कोई कॉस्मेटोलॉजी, तो कॉस्मेटोलॉजी कौन कौन सी ITI के अंदर आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी हमें सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि हमने पूरी ITI देखनी है और कौन कौन सी सीट्स है वो देखनी है। तो मैंने उत्तर प्रदेश और लखनऊ सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे सर्च का ऑप्शन जो है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आपने सर्च किया, टोटल 71 ITI है लखनऊ के अंदर, तो वो उसका आपके पास ऑप्शन आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन और भी है, गवर्नमेंट या प्राइवेट। अभी आपने सिर्फ गवर्नमेंट चेक करनी है तो आप यहाँ गवर्नमेंट पे टिक करोगे और क्या करोगे, सर्च कर दोगे। उससे पहले एक और ऑप्शन भी है, रूरल या अर्बन। आपको मान लो गांव में चाहिए ITI या फिर आपके शहर में चाहिए, तो हम अर्बन पे क्लिक करेंगे कि लखनऊ जो शहर है, अर्बन एरिया है, वहाँ पे हमें ITI जो है उनको सिलेक्ट करना है। दोनों को हमने सेलेक्ट करने के बाद दोबारा सर्च करेंगे तो क्या आएगा, आप जो ITI है, टोटल 4 ITI है लखनऊ जो शहर के अंदर, 4 गवर्नमेंट ITI हैं, उनका पूरा डाटा यहाँ पे आ गया। तो ये फर्स्ट जो ITI है वो है गवर्नमेंट ITI मोहनलालगंज लखनऊ। सेकंड कौन सी है, गवर्नमेंट ITI वर्ल्ड बैंक माहिया लखनऊ, ये कौन सी है, मॉडल ITI है आपकी। देन उसके बाद गवर्नमेंट ITI अलीगंज लखनऊ और उसके बाद गवर्नमेंट ITI चारबाग लखनऊ। तो ये 4 ITI है। अब इनमें से किसी का भी अगर आपने सीट देखनी, कितनी सीट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेड कितनी है, 13 ट्रेड है, सीट कितनी है आपकी, 576 सीट है। तो जैसे आप ट्रेड्स पे क्लिक करेंगे तो टोटल जितनी भी आपकी ट्रेड्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। कौन कौन सी है, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, उसके बाद कॉस्मेटोलॉजी, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ड्रेस मेकिंग, इलेक्ट्रीशियन, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, फिटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन मैकेनिकल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, पेंटर जर्नल, प्लम्बर और RAC। तो टोटल 13 सीट आपको यहाँ शो हो गई, ठीक है। और मान लो हम देखेंगे जो अपनी अलीगंज वाली ITI है इसमें कौन कौन सी ट्रेड है, तो हम 24 जो इस पर क्लिक करेंगे और जितनी भी ट्रेड्स थी, ये 24 जो ट्रेड है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी कौन कौन सी ट्रेड्स हैं। अब आपने क्या करना है, जो ड्राफ्ट में सिविल है इसमें देखना है कि आपकी जो सीट्स है कितनी है अलीगंज वाली ITI के अंदर। तो आपने क्या करना है, सिंपल ये जो ITI है इसका जो GRN नंबर है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आपने क्लिक किया, उसके बाद क्या होगा, जितनी भी डिटेल्स है आपकी पूरी ITI की आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ड्राफ्ट में सिविल है NSQF उसकी कितनी सीट्स हैं, 24 सीट है, ठीक है। कितनी सीट है, 24 सीट आपकी यहाँ आपको आ जाएगी। तो देखिए आपने यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको क्या दिखाया जाएगा कि आपकी जो यूनिट है वो 1 और 2 है, ठीक है। 1 और 2 यूनिट क्या होती है, फर्स्ट यूनिट जो फर्स्ट ईयर की होती है और जो सेकंड यूनिट है वो सेकंड ईयर की यूनिट होती है। तो आप अगर आपको एडमिशन लेना फर्स्ट ईयर में, आप एडमिशन लोगे तो 24 आपकी जो सीट्स है वो आपको यहाँ शो हो रही है। पिछले साल कितने एडमिशन हुए, 17 एडमिशन हुए थे और जो आपकी अभी तक वैकेंट सीट है वो 7 सीट वैकेंट है। तो इस तरह से आप पूरी वैकेंट देख सकते हो कि कितनी आपकी सीट्स हैं कौन सी ITI के अंदर और कितनी उसके अंदर सीट वैकेंट है। और इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि पिछले साल कितनी सीट्स थी
टोटल 20 सीट थी और कितनी वैकेंट रही थी, आपकी 10 सीट वैकेंट रही थी। तो आपका जो एडमिशन है उसके होने के चांसेस कितने हैं, आपके 100% चांसेस है कि आपके एडमिशन हो जाएंगे अगर आपके उतने ज़्यादा मार्क्स नहीं है तो भी, क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, इसलिए आपको क्या होगा, आपका एडमिशन आराम से मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप अपनी आईटीआई या उसको चेक कर सकते हो कि कौन सी आईटीआई में कितनी सीट्स हैं, कौन सी में आप कौन कौन सी ट्रेड्स हैं, ये सब आप देख सकते हो। अब इसके बाद अगर आपको इसकी लोकेशन जाननी है, जो आईटीआई है कौन सी, अलीगंज लखनऊ, तो आप व्यू इन गूगल मैप पे भी क्लिक कर सकते हो। इसके बाद क्या होगा, आप सिंपल जो गूगल मैप है उस पर चले जाओगे और इसकी जो लोकेशन आईटीआई की वो भी आपको बिल्कुल सही पता चल जाएगी, आपको कोई पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यही थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्किल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है इस तरह की वो आपको मिलती रहे। एडमिशन के फॉर्म कब तक निकलेंगे, एडमिशन किस बेस पे होंगे, पूरी जानकारी हम इस हमारे स्किल मास्टर यूट्यूब चैनल पे आपको देंगे। साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप के बारे में जानकारी और जितनी भी आपकी जॉब्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाती है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।